सर क्या क्या कहेंगे इंद्रजीत को? पंकज देखो मेरा ये कर रहा है सारण के मेरा कह पकड़ रहा है। सारण के जनप्रतिनिधि बता दिया थोड़ा सा उनके पास इतनी सूझबूझ है तो एक अच्छा वकील चुन सके और निश्चित रूप से अंतिम समय में कुछ षड्यंत्र हुआ था, उस षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब भी मिल गया है और बड़ी खुशी है कि हमारे सारण के प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि वही निर्णय लिए जो पिछले 5 महीने 6 महीने से मुझे बता रहे थे। इसलिए ये हमारे जनप्रतिनिधियों की जीत है सर्वप्रथम। और एक बात जहाँ तक बात वो करते हैं विचारधारा की, तो विचारधारा किसी पार्टी से बंधी हुई नहीं होती है। विचारधारा हमेशा सबका साथ सबका विकास जो है वो जरूरी नहीं किसी पार्टी का स्लोगन हो, किसी के संकल्प जीवन का संकल्प भी हो सकता है, किसी का जीवन का चरित्र भी हो सकता है। मैंने उन संकल्पों के साथ और उस चरित्र के साथ अपना जीवन जिया है, इसलिए मैं तो समझूंगा कि इस विचारधारा की भी जीत है जो विचारधारा सत्य में सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। और तीसरी बात, मैं हालांकि बड़ा अटपटा लगेगा आप लोगों को सुनकर, मैं राजनीति में नरेंद्र मोदी को देख कर आया था और आज भी मैं नरेंद्र मोदी की तरह ही सबका साथ सबका विकास विश्वास करता हूँ। बाकी मैं ये नहीं जानता कि उनकी पार्टी के नीचे के लोग ऐसा सच में विश्वास करते हैं या कल मुंह से नारा लगाते हैं। हड़बड़ी इसलिए नहीं है कि एक तो क्या है कि मैं अपने राजनीतिक करियर के लिए मैं चुनाव लड़ा ही नहीं, ये चुनाव मैं लड़ा हूँ जो सपना मैंने देखा था और जो सपना मैंने अपने जनप्रतिनिधियों को दिखाया है, हम लोगों ने विश्वास किया। आपने देखा होगा एक निर्दलीय प्रत्याशी का इतने हॉट सीट पर इतने बड़े मार्जिन से जीत करना, ये छोटी सी बात नहीं है। जिनको लाख लाख के बैठाए, जिनको उन्होंने समर्थन दिया, उनसे 11 गुना से भी अधिक वोट प्राप्त हुए हैं मुझे, तो ऐसे तो नहीं हुए हैं। इतना अपार प्यार, इतना अपार स्नेह, इतना अपार समर्थन, तो निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता हो जाती है कि मैं पहले उनको आगे रखकर उनके बारे में सोचूं, उनके लिए काम करूं। अभी सर्वप्रथम वो हैं, मैं कहीं नहीं, इसलिए मेरा निर्णय जो भी होगा उनके हित को ध्यान में रखते ही होगा। और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ सारण के स्वाभिमान की जीत बताए थे कि हमारी सारण के जनप्रतिनिधियों के स्वाभिमान की जीत है। आप किसी भी कैंडिडेट को थोप दीजिएगा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक दल किसी भी कैंडिडेट को थोप देंगे और उन्हीं को चुनना पड़ेगा, ऐसी बाध्यता नहीं है। ये हमारे सारण के जनप्रतिनिधियों ने प्रमाणित कर दिया। यदि एक विकल्प मिले तो भले ही वो बिना किसी दल का ही क्यों ना हो, यदि विकल्प उनको पसंद आएगा तो उस विकल्प को समर्थन अपार मिलता है और भी आपके सामने दिखा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।